Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. You're watching Hadeer Tech and this is Mohammed Haseeb. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप खुद पासपोर्ट साइज तस्वीरें बना सकते हैं और उसे प्रिंट करवा सकते हैं फोटोशॉप की मदद से. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस फोल्डर में बच्चों की तस्वीरें हैं. उन तस्वीरों में से एक तस्वीर मैं फोटोशॉप में ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रॉप एंड ड्रैग. और अब मैं मर्क्यू टूल से इसकी एक सिलेक्शन बना रहा हूँ. कंट्रोल सी की मदद से मैंने इसे कॉपी किया और कंट्रोल एन की मदद से एक नया पेज लिया. सबसे पहले यहाँ पर इंचेस करें और इसकी विड्थ रखें 1.5 इंचेस, हाइट रखें 2 इंचेस और इसकी रेजोल्यूशन 300 रखें और इंटर का बटन प्रेस कर दें. यहाँ पर वो इमेज आ चुकी है, मैं उसे कंट्रोल टी की मदद से ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ. अब आपने ये करना है कि इसके बैकग्राउंड को आप डुप्लीकेट कर लें और यहाँ पर क्लिक करें और अब लेयर वन को सिलेक्ट करें और कंट्रोल सी की मदद से इसकी डुप्लीकेट बनाएं. अब मुझे लेयर वन और बैकग्राउंड की कॉपी नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर दूँगा. अब लेयर टू के हमने स्टॉक लगाना है. स्टॉक का कुछ ये होगा कि उसका साइज़ 8 रखें, उसकी पोजीशन इनसाइड रखें और इसका कलर ब्लैक यूज़ करें और ओके का बटन प्रेस कर दें. अब इमेज में जाएं, कैनवस साइज़ में जाएं और इस बटन पर क्लिक करें और उसकी विड्थ अब रखनी है 5 इंचेस और उसकी हाइट 7 इंचेस. बैकग्राउंड लेयर को फ़िलहाल अभी हाइड कर दें उसके आईबॉल को बंद करके और लेयर 1-2 को सिलेक्ट करें और मूव टूल की मदद से ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसके 3-2 कॉपी करें. अब ग्रुप करें और मज़ीद एक और कॉपी बनाएं. ऑल्ट के बटन को प्रेस करके फिर एक और कॉपी बनाएं. तो फ्रेंड्स, ये तैयार हो गया आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स 5x7 के पेज पर. अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें.